नमस्कार, आप सभी का स्वागत है डीवी न्यूज में। नर्मदा तटों पर चल रहे रेत के अवैध उत्खनन को लेकर नाराज ग्रामीणों ने एसडीएम मुकेश सिंह को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि ग्राम मांगरोल दो पुल घाट सर्रा जो कि 66 हेक्टेयर में है, यह रकवा नर्मदापुरम के अंतर्गत आता है। यह खदान पिछले 13 वर्षों से मृत घोषित है। इसमें ठेकेदार द्वारा रायसेन जिले की बरेली तहसील की सीमा में से रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा है जो कि अवैध है। नर्मदा भक्तों और ग्रामीणों ने जल्द से जल्द उचित कार्यवाही करने की मांग की। ज्ञापन के माध्यम से ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि कार्यवाही ना होने पर धरना प्रदर्शन जैसे आंदोलन आने वाले समय में किए जाएंगे और इसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। वही आपको बता दें, ग्रामीण प्रताप सिंह ठाकुर ग्राम पंचायत सानिया सरपंच ने बताया कि रेत ठेकेदार द्वारा हमारे ग्राम पंचायत के रकबे में रायसेन जिले की ओर से अवैध उत्खनन किया जा रहा है। अभी एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया है और उचित कार्यवाही करने की मांग की जा रही है। जल्द से जल्द अवैध उत्खनन पर रोक न लगने पर हमारे द्वारा आंदोलन किया जाएगा। ऐसी ही और भी खास खबरों को जानने के लिए बने रहे डीवी न्यूज के साथ।